जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप और आपके चाहने वाले खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके जीवन को और सुखी और मंगलमय बनाने की भावना के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक साधारण और शक्तिशाली उपाय लेकर। दोस्तों, इस विधि द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करके अपने वश में कर सकते हैं। यदि कोई महिला है जिसको आप पसंद करते हैं, या कोई लड़की जिसे आप अपना दिल दे बैठे हैं, या कोई अपना जो रूठ गया हो, इस विधि द्वारा आप उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, प्रेम रस घोल सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि वो कौन सा उपाय है जिससे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं विधि बताने से पहले एक मुख्य बात आपको बता दूं कि जब भी आप इस विधि का प्रयोग करें तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई और ना हो, आप उस समय बिल्कुल अकेले हो। क्योंकि अगर आप अकेले में इस विधि का प्रयोग करेंगे तभी इसका असर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए जानने के लिए इस प्रचंड वशीकरण विधि को, जिसे आप किसी भी स्त्री को, महिला को या किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं, अपने वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है नाभि से जुड़ा हुआ। तो जरा सोचिए, क्या इससे आसान कोई टोटका हो सकता है? नाभि को सिर्फ छूने से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं, अपना मनचाहा हर कार्य करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही करना है। लेटने के बाद आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप वश में करना चाहते हो, और ध्यान करते वक्त अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली नाभि पर रखनी है। जी हाँ, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली को नाभि पर रखकर एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है जिसका आपको बिल्कुल सही तरीके से एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है। ये मंत्र है ओम त्रिम त्रिम त्रिह। यह विधि का प्रयोग करके किसी भी प्यार करने वाले या किसी भी दोस्त या मित्र को अपने वश में किया जा सकता है, उसे अपना बनाया जा सकता है, अपनी इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप भी दोस्तों किसी भी कारणवश यह विधि आपको समझ नहीं आई है, या कोई संशय आपके मन में बना हुआ है, या आप इसको करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो आप दोस्तों हमारे स्क्रीन पर दिए जाने वाले नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें, हमें मैसेज करें और अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान पाए। जय माता दी।